नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। आप कम समय में भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा पे इतना काम किया है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो आप पहले अपना पर्चा दें, उसके बारे में ये बताएं क्या योजना है आपको भारतीय जनता पार्टी को किस विधानसभा में मजबूत करने की। बहुत बहुत शुक्रिया तेज भान जी कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है और मैं उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हम जो आज काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उन्हें हम लोगों तक पहुँचाने का काम लगातार यहाँ कर रहे हैं। और जो मुसलमानों के दिमाग में जो जितनी भी तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ हैं, उन्होंने ये भ्रम पैदा कर रखा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, उस भ्रम को हम लगातार, जो उनके अंदर जो भ्रम था उसे खत्म करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो मुस्लिम समाज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सरकार की कोई भी योजना हो, चाहे वो आवास का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, लड़कियों की शादी में अनुदान देने का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो, कोई भी सरकार की ऐसी योजना हो, आप देख लीजिए, किसी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमान या हिंदू का कोई भेदभाव नहीं किया है और सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी वर्गों के लोगों तक बिना किसी भेदभाव के समानता के साथ सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और लगातार मुस्लिम समाज को मैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा हूं। अच्छा, सुनने में आया है कि कोई आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के अच्छे पदाधिकारी आपके समय आने वाले हैं। जी, देखिए, हमारे यहाँ बिलारी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं माननीय कुंवर वासित अली जी, वो हमारे बीच में दिनांक 18/7/2022 को बिलारी में पधार रहे हैं। पहली बार उनका आगमन हो रहा है, मेरे बुलावे पर वो बिलारी आ रहे हैं और उनका प्रोग्राम जो हमने रखा है वो प्रयत्न बैंकट हॉल में रखा है, स्टेशन रोड बिलारी पर, दोपहर 2 बजे का प्रोग्राम है। तो सभी बिलारी विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के, मुस्लिम समाज के, बुद्धिजीवी वर्ग के जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सभी से मेरी ये गुजारिश है, ये आह्वान है कि भारी संख्या में पहुँच कर प्रोग्राम को सफल बनाएँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कामयाब के विचारों को सुने। अच्छा, जैसे कि आज मौजूदा विधायक द्वारा बिलारी के महंगाई को लेकर और सरकार के जो जिला पंचायत और ब्लॉकों के चुनाव हुए उसको लेकर धरना प्रदर्शन था, उस विषय में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, वो देखिए, अब इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है धरना प्रदर्शन करने के अलावा। सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, अब जनता समझ चुकी है। जो भ्रम अभी इन्होंने पिछले टाइम में पैदा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार की छवि खराब करने की जो कोशिश, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने की कोशिश और केंद्र सरकार की छवि खराब करने की कोशिश जो की गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसे जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। और अभी किसी प्रदर्शन, कितने भी घोषणाबाजी जो की जा रही है, उसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 2022 के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसा कि आपने, मोहम्मद इब्राहिमपुर गांव है, आपके प्रयास है, आपके साथियों का प्रयास रहा, और लगभग 28 साल बाद आपने वहाँ का ग्राम समाज का चुनाव जो है वो बदला है, जिला पंचायत ही बदला है, अगली क्या योजना है आपको भारतीय जनता पार्टी को लेकर मजबूत करने के लिए? देखिए, 28 साल बाद हमारे गांव मोहम्मद इब्राहिमपुर में हमारे मामू साजी सेठ प्रधान बने हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे। हमारी आगे की तैयारी ये है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 में, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 700 वोट मिले हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि इस बार कम से कम 1200 वोट भारतीय जनता पार्टी को हमारे गाँव मोहम्मद इब्राहिमपुर से मिले। तो आप कोई सदस्यता अभियान या संपर्क में कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, अब तक मैंने बिलारी विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 5000 मुस्लिम कार्यकर्ता जो बुद्धिजीवी वर्ग के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है और हमारा टारगेट ये है कि 2022 के चुनाव आने से पहले कम से कम 10000 मुस्लिम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें।